हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज जो ये कलरफुल प्लांट्स हम लोग देख रहे हैं, ये कोलियस के हैं और अभी मई एंड होने वाला है एकदम। और ये प्लांट कितने हरे भरे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मगर एक चीज़ देखिए, इनकी हाइट कितनी है। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत टॉल प्लांट्स नहीं है, थोड़े शॉर्ट हैं। और इसका रीज़न बताऊंगी कि इतने हेल्दी लग रहे हैं और ये बहुत टॉल नहीं है और बुशी भी हैं। सारे प्लांट्स जितने भी हैं मैंने इनको जगह से हिलाया नहीं है। आपको सारी चीज़ें वैसे ही दिखाऊंगी जैसे रखी हुई हैं इस समय। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लांट रखें, कहाँ रखें, क्या करें गर्मियों में, ताकि हम लोग के कोलियस बहुत खूबसूरती से ग्रो करते रहें। तो सबसे पहले लेते हैं, ये तो हम लोग ने देख लिए कुछ अच्छे पौधे जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे पौधे जो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे। और चलिए ये भी दिखा देती हूँ कि ये मैंने कितनी शेड में रखा हुआ है। ये मैंने अपने बैकयार्ड में रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए पूरे में ग्रीन नेट है। सुबह का सूरज भी इसको इतना ज़्यादा नहीं आता, सनलाइट मिलती है ब्राइट एकदम, और हवा पानी सब मिलता है, मगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है। इसके लिए हम लोग ने शेड लगाया हुआ है। अब और आगे दिखाती हूँ आपको। एक और कोलियस का पौधा है जो लगा टूटे गमले में है और ये बहुत बुशी है, मगर ये बहुत सारे पौधों के बीच में है। छोटा गमला है और कई सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, एटलीस्ट 4-5 पेड़ इसमें एक ही छोटे गमले में लगे हुए हैं। अब दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये कोलियस ऐसे क्यों हो जाते हैं। आपके भी कुछ कोलियस ऐसे ही हो गए होंगे। ये देखिए कुछ तो टहनियाँ एकदम ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए ये भी एकदम मुरझा सा गया है, इसमें कोई लाइफ नहीं रही है, कोई ब्राइटनेस नहीं रही है, चमक ख़त्म हो गई है और इसके कलर्स भी एकदम डल हो गए हैं, एकदम लैंकी हो गया है। अब हम लोग इसका क्या करें, क्यों हो गया है ये। सबसे पहला रीज़न ये है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है कोलियस की। कोलियस मुश्किल से 8-10 महीने या साल बहुत अच्छे से चलते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे लैंकी होने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, जब ऐसे लैंकी हो जाते हैं तब आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करके ये देखिए सारी चीज़ें कटिंग कर देंगे हम लोग। ये देखिए ये सारे कटिंग कर दिए और हम लोग को इतनी सारी कटिंग मिल गई है। कटिंग को आप जैसे ही काटते हैं, वैसे पहले भी मैंने कुछ काटे हैं आज सुबह, तब मेरे को याद आया चलिए आज हम लोग ये ही कवर कर लेते हैं वीडियो में, क्योंकि मेरे भी बहुत लैंकी हो गए थे, उनकी सबकी कटिंग की है। और इनको सबको पानी में डालते जाइए। जब ये कटिंग पानी में कोलियस रहेगी, इनफैक्ट ये कोलियस पानी में भी प्रोपोगेट हो सकता है। अगर इसको मैं छोड़ देती हूँ शेड में पानी में तो इसमें ग्रोथ या इनमें रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको कटिंग को काट के रखते जाइए और नए सॉइल में इसको प्रोपोगेट करते जाइए। और इनको कुछ दिन छोड़ सकते हैं, कुछ नई ग्रोथ होगी तो ठीक हो जाते हैं। वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं सारे, अब कटिंग ले ली मैंने, ये सारी चीज़ें हटा के इन्हीं कटिंग को अब इसमें लगा दूंगी। ये देखिए ये एक पौधा दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाले कोलियस का। ये लगाए हुए मेरे को करीब 10 दिन हुए और इसका पेड़ ख़राब हो गया था, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था। जब अच्छी ग्रोथ कर रहा था वो भी वीडियो डाल दूंगी, और जब ख़राब होने लगा तो इसकी कटिंग काट के मैंने ये लगा दी थी। मैच्योर होने के बाद ये प्लांट का हाल देखिए, ये पूरी लैंकी हो गई हैं इसकी टहनियाँ और सारी झुक गई हैं। ये जो पिक दिखा रही हूँ मैं, ये उसी प्लांट की है, करीब 2 महीने पहले। देखिए कितना हेल्दी था और उसके बाद मैच्योरिटी के बाद ख़राब होता गया और एकदम ख़त्म हो जाता है।
इससे पहले मैंने कुछ इसकी कटिंग लेके कटिंग लगा दी थी। ये देखिए, ये सारी कटिंग्स मैंने काट काट के आज सुबह से यही काम किया है। सारे प्लांट्स थोड़े पुराने हो गए थे, कुछ ओल्ड हो गए थे, इनको सबको मैंने अब नए सिरे से लगाया है। और एक चीज और ऑब्जर्व करिए, एक गमले में बहुत सारी कटिंग लगी हुई है। अब हम लोग इसकी पूरी अच्छी ग्रोथ की एक और चीज देखते हैं कि हम लोग को इसको रोटेट क्यों करना है। ये देखिए, ये भी पीछे से वैसे ही हो रहा है जैसे ये वाला दिखाया था मैंने। तो ये इधर की तरफ से ग्रोथ नहीं है क्योंकि एक ही जगह ये रखा रहा है ऐसे। तो कुछ दिनों बाद कोलियस के गमले को ज़रूर खिसका दिया करिए ताकि अब ग्रोथ यहाँ से होगी। ऐसे ही ये इसको भी मैं प्लांट को अभी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, इसको मैं भी घुमा दूंगी और अब यहाँ से भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। कोलियस की वाटरिंग के लिए आप बहुत ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग से भी ये गल जाती हैं क्योंकि इनकी स्टेम्स बहुत टेंडर होती हैं। आप जब चेक करके डालें, जब ऊपर की लेयर एकदम ड्राई हो जाए तब इसमें वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। इसकी रूट्स बहुत डीप नहीं होती हैं, बहुत वेल डेवलप नहीं होती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर होता है, रूट रॉट हो जाता है इनमें। कोलियस बहुत हाई फीडर नहीं होता है तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये आप विदिन अ ईयर इसको रिपॉट करके कटिंग से दोबारा ग्रो करते हैं तो पॉटिंग सॉइल में जो आप फर्टिलाइज़र लेते हैं वो काफ़ी अच्छा इसके लिए हो जाता है। तो इसको अगर फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो राइट मौसम में, बहुत ज़्यादा गर्मियों में ना करें, और अगर करते हैं तो कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए और बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। इसमें मैंने कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है और आप भी कोशिश करें कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करें, अवॉइड करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा कोलियस का। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।